हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो, चूंकि आप जान रहे हैं कि क्वेरीज के ऊपर हम वीडियो बना रहा हूं आजकल, तो क्वेरी को लेकर अपडेट क्वेरी में ये दूसरी वीडियो है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहां पर ये आईडी है, यहां पे कंप्यूटर साइंस के मार्क्स है, यहां इंग्लिश है, एसएसटी है, फिजिक्स है, यहां पे आप हमें टोटल करना है, फिर यहां पर एवरेज कैलकुलेट करना है, फिर परसेंट कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन अपडेट क्वेरी का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो क्रिएट पे जाना है आपको, ये क्रिएट पे आ गए और यहां से आ जाना है क्वेरी डिजाइन पर। क्वेरी डिजाइन पे आ गए और ये जो टेबल वन है ना, इसे ऐड करवा दीजिए। ऐड करवा दिया, यहां से इसे ड्रैग करके बड़ा थोड़ा कर लेता हूं। अब यहां पर हमें टोटल सबसे पहले कैलकुलेट करना है, तो यहां शॉर्ट पे जाइए और शॉर्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये शॉर्ट पे आए और शॉर्ट पे आने के बाद अपडेट पे कर देना है क्लिक। तो ये अपडेट हो गया, ठीक है। अब यहां अपडेट टू आ रहा है। अपडेट टू जैसे ही आ जाएगा तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में वो सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं हमें, जैसे पहला हो गया कंप्यूटर, ओके, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर यहां पे दूसरा हो गया इंग्लिश, ठीक है, और फिर यहां प्लस का निशान लगाया, फिर तीसरा होगा एसएसटी, तो एसएसटी कर दिया हमने, फिर प्लस का निशान लगाया और यहां पे कर देता हूं फिजिक्स, ठीक है। तो ये फिजिक्स भी हमने कर दिया और यहां से अब हमें क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। तो यहां से सेव कर लेता हूं, क्वेरी वन ही नाम रहने देता हूं मैं और यहां से इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं अभी टोटल नहीं आया हुआ है, टोटल कब आएगा। यहां पर आपको क्वेरी पे जाना है, ठीक है, यहां पे यस करना है, यहां पे यस करना है और यहां पे रिफ्रेश पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे आप तो ये सारी की सारी टोटल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए विजुअल बेसिक कोड लिख सकते हैं ताकि आपको रिफ्रेश पे क्लिक न करना पड़े, मैंने वो कोड लिखना सिखाया है। मैं इस टॉपिक को लेकर के भी कोड लिखना आगे चल करके सिखाऊंगा, फिलहाल ये वीडियो अपडेट क्वेरी को लेकर के है तो हम अभी उसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर अब जो आईडी नंबर 4 है उसके लिए यहां पे मार्क्स एंटर करता हूं। तो ये मार्क्स एंटर करा हमने, फिर यहां पर मार्क्स एंटर कर दिया। तो ये सारे मार्क्स एंटर कर लेने के बाद यहां पर देख सकते हैं अभी टोटल नहीं आया हुआ है, तो टोटल लाने के लिए हमें क्वेरी पर क्लिक करना है, यहां पे यस करना है, फिर यहां पे यस करना है और यहां से कर देना है क्वेरी पे। ये जो क्वेरी है ना यहां पे, अब देखिए ये यहां पे आ चुका है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर मान लीजिए अगला जो आईडी नंबर है उसे एंटर कर लीजिए, जैसे ये हमने एंटर किया, आईडी नंबर आ गया, यहां पे ऑटो नंबर लिया हुआ है, यहां पे 33 एंटर किया, 55 एंटर किया, 67 एंटर किया, अब यहां पे टोटल नहीं आ रहा है। तो टोटल लाने के लिए क्या करना है आपको, डबल क्लिक, तो ये यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम एवरेज भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एवरेज के लिए अलग से अपडेट क्वेरी हम बनाएंगे। यहां पर जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पर जाएंगे और यहां से इसे ऐड करवा देंगे। ऐड करवाने के बाद हमें क्या करना है, यहां से लेना है एवरेज। तो एवरेज हमने ले लिया, अब यहां पे शॉर्ट पे रखना है और यहां पे अपडेट पे करना है क्लिक। ये जो अपडेट है ना यहां पर कर दीजिए क्लिक और ये अपडेट में आ जाइए आप, और यहां पर हमें अब वो चीजें करनी है। तो यहां पे टोटल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां पे लिखा हमने टोटल, स्क्वायर ब्रैकेट को किया क्लोज और कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, तो यहां 4 से इसे कर दिया डिवाइड, ठीक है। यहां टोटल का टी कैपिटल होगा, टी कैपिटल कर लेता हूं और अब यहां से हमें इसे करना है सेव। तो यहां से क्लोज करते वक्त ही मैं इसे सेव कर लेता हूं क्वेरी 2 के नाम से। ये क्वेरी 1 है, ये क्वेरी 2 है, ठीक है। तो क्वेरी 2 के नाम से इसे सेव कर लिया। अब जिस पे डबल क्लिक करता हूं, इसे यस करता हूं और यहां पर भी यस कर देता हूं और अब यहां से रिफ्रेश पे कर देता हूं क्लिक। तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा एवरेज आपके सामने है, ठीक है। अब यहां पे परसेंट की बात कर लेते हैं। परसेंट के लिए अलग से क्वेरी बनाएंगे, यहां क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां ऐड करवा देंगे इसे, ठीक है। ऐड करवाने के बाद आपको क्या करना है, परसेंट चूंकि हमको कैलकुलेट करना है, यहां शॉर्ट पे रखना है कर्सर को, अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा। अब यहां अपडेट 2 आ रहा है, ठीक है। करना क्या है, यहां पर आपको टोटल के बेस पे ही परसेंट कैलकुलेट करना है। तो यहां पे आप लिखिए टोटल, ठीक है, यहां पे टोटल लिख दीजिए, इनटू का साइन लगाइए। टोटल को आपको क्या करना है, 100 से कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसे चूंकि 4 सब्जेक्ट है तो 400 से इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा परसेंट, ठीक है, और एवरेज और परसेंट दोनों सेम ही आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये हमारा परसेंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये क्वेरी 3 पे क्लिक करना है, यस करना है, यस करना है और यहां से रिफ्रेश पे कर देना है क्लिक। तो देखिए वही सेम चीज यहां पर भी कैलकुलेट होकर आ गई है। तो इस तरह से आप जितनी चाहे उतनी क्वेरीज बना सकते हैं
उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।